मैं अमित शाह जी से कहना चाहता हूँ, केजरीवाल को मत रोको, क्राइम को रोको। स्वाति मालीवाल को पीट कर अब आप राजनीतिक कौन सी बहादुरी का कौन से दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर को सुधारने की बात कर रहे हैं। दोस्तों, दिल्ली में ठंड के मौसम के साथ साथ चुनावी मौसम की शुरुआत भी हो चुकी है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव अगले साल फरवरी में होने की संभावना है। उससे पहले विपक्ष में बैठी भाजपा आम आदमी पार्टी को घेर रही है, तो वहीं आम आदमी पार्टी आधे से ज्यादा अधिकार केंद्र में बैठी मोदी सरकार के पास होने की वजह से मोदी सरकार को घेरती नजर आ रही है। दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी होने की वजह से दोस्तों कानून व्यवस्था का जिम्मा केंद्र यानी गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। गृह मंत्री अमित शाह जी के हाथों में दिल्ली पुलिस की चाबी है। ऐसे में एक दिन पहले जहां अरविंद केजरीवाल दिल्ली में कानून व्यवस्था बदतर होने की बात कह चुके हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अब दिल्ली विधानसभा सत्र के पहले दिन आम आदमी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को सुरक्षा व्यवस्था से जुड़ी बस मार्शलों की नियुक्ति पर घेरा। दिल्ली में चुनाव से पहले चुनावी माहौल क्या है, बताएंगे आपको इस खबर में। आखिर तक इस वीडियो में जरूर बने रहिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं एमबी लाइव। दिल्ली में लगातार बढ़ते प्रदूषण ने लोगों का जीना मुहाल करके रखा है, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने ग्रैप 4 की पाबंदियां लागू करके रखी हैं। दिल्ली विधानसभा का सत्र शुरू होने के साथ ही लोगों की नजरें इस बात पर टिकी थी दोस्तों कि क्या विधानसभा में इस मुद्दे को उठाया जाएगा या इस पर चर्चा होगी क्या, लेकिन इस पर कहीं से कहीं तक कोई चर्चा नहीं हुई। दिल्ली की कानून व्यवस्था को ठीक करने के लिए दोस्तों बस मार्शल की नियुक्ति का जो मुद्दा है वो उठाया गया। हालांकि अरविंद केजरीवाल बड़ी ही आक्रामकता के साथ अमित शाह पर भड़के। उन्होंने दिल्ली में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर कई तरीके के सवालों का जिक्र करते हुए ये कहा कि केजरीवाल को मत रोको, अपराध को रोको। आपको वीडियो दिखा देते हैं, अरविंद केजरीवाल क्या कुछ कहते नजर आए हैं, ये वीडियो देखिए आप। नांगलोई में एक दुकान वाले हैं रोशन लाल जी, उन्होंने 8 बजे सवेरे दुकान खोली और 9:15 बजे दो मोटरसाइकिल पे सवार आए और उनकी दुकान के ऊपर उन्होंने अंधाधुंध गोलियां फायरिंग करनी चालू कर दी। मैं उनसे मिलने के लिए गया परसों, इन्होंने बीजेपी वालों ने मेरे को वहां जाने नहीं दिया, इन्होंने मेरे को रास्ते में रोक लिया। मैं अमित शाह जी से कहना चाहता हूं, केजरीवाल को मत रोको, क्राइम को रोको। जी, तो जैसा आपने देखा कि अरविंद केजरीवाल साफ साफ ये कहते नजर आ रहे हैं कि केजरीवाल को मत रोको, अपराध को रोको। वहीं मनीष सिसोदिया से लेकर सौरभ भारद्वाज, मुख्यमंत्री अतिशी और सत्येंद्र जैन सभी ने दिल्ली की कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए। उनसे पहले आम आदमी पार्टी के तमाम विधायक, जिनमें चाहे कुलदीप कुमार हो, राखी बिरला हो, सोमनाथ भारती हो या बाकी के विधायक हो दोस्तों, सबने यही कहा कि दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना के पास मार्शल्स को नियुक्त करने का अधिकार है। लेकिन मार्शल्स को एक झटके में उन्होंने नौकरी से हटा दिया और अब आरोप हम पर लगा रहे हैं क्योंकि हम सरकार में हैं। ना उन मार्शल्स के परिवारों के बारे में सोचा गया और ना ही उन महिलाओं के बारे में सोचा गया जिनकी सुरक्षा की जवाबदेही उन मार्शल्स की है। जब बस से महिलाएं ट्रैवल करती हैं, जब बस से महिलाएं कहीं ना कहीं सीधे तौर पर आवाजाही करती हैं, उस समय बस में मार्शल्स का होना जो है वो जरूरी है और हर रोज कहीं ना कहीं मार्शल्स को हटाकर उन्हीं महिलाओं की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। हालांकि इन तमाम आरोपों को लेकर दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष है विजेंद्र गुप्ता, इन्होंने ये कहा कि मार्शल्स को नियुक्त भी आपने किया था और निकाला भी आपने और आरोप आप हम पर मढ़ रहे हैं। सत्ता में आप हो, आरोप हम पर लगा रहे हो। आगे उन्होंने यह भी कहा कि आप दिल्ली में रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों के फर्जी वोट बना रहे हो और उन्हें पनाह दे रहे हो। रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठी दिल्ली में अपराध का बड़ा कारण है, ऐसा वो कहते हुए नजर आए दोस्तों। वो ये भी कहते हैं कि आप इस मुद्दे का राजनीतिकरण कर रही हैं। वो महिला सुरक्षा की बात करते हैं लेकिन सांसद स्वाति मालीवाल की पिटाई सीएम के इशारे पर की गई जिन्होंने अपराधी को पनाह दी। उन्होंने निर्भया के लिए बजट इतना अधिक रखा और महिला सुरक्षा पर एक पैसा खर्च नहीं किया। आपको नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता का ये वीडियो भी दिखा देते हैं दोस्तों। अपने वीडियो में अपनी बात, अपनी प्रतिक्रिया क्या देते हुए नजर आ रहे हैं, वीडियो दिखाते हैं आपको, ये वीडियो भी देखिए आप। महिला सुरक्षा की जो बात की उसके ऊपर सरकार ने मौन धारण कर रखा है। लास्ट माइल कनेक्टिविटी की बात थी, डार्क स्पॉट खत्म करने की बात थी और महिला तो मुख्यमंत्री के घर में भी सुरक्षित नहीं है, ये उदाहरण इन्होंने पेश किया।
और नाम लिया, नाम लिया और साहब हाजिर हुए। महिला सुरक्षा के मामले में एक राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल, उनको मुख्यमंत्री जी के इशारे पर उनका पीए पिटाई करता है और उस महिला के दर्द को, उसकी तकलीफ को, उसकी परिस्थिति को भी सुनने और समझने को तैयार नहीं है। और जिस तरह से पीटा गया और फिर उस अपराधी को बचाने के लिए हर प्रकार का धन का, बल का सब प्रयोग किया गया, तो ये संवेदनहीन पार्टी, संवेदनहीन लोग महिला सुरक्षा पे चर्चा करो, स्वाति मालीवाल को पीट कर अब आप राजनीतिक कौन सी बहादुरी का, कौन से दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर को सुधारने की बात कर रहे हैं? दिल्ली की जनता की सुरक्षा में राजनीति, कौन से लॉ ऑर्डर को राजनीति आप खुद कर रहे हैं? संवेदनशील है जी। तो इसके बाद विधानसभा स्पीकर राम निवास गोयल ये कहते हैं कि विजेंद्र गुप्ता ने लॉ एंड ऑर्डर से हटकर जो भी कहा है उसे कार्यवाही से हटा दिया जाए। अब दोस्तों ये चर्चा थी मार्शल्स की नियुक्ति पर। तो जहां एक तरफ दिल्ली की सरकार एलजीवी के सक्सेना को जिम्मेदार ठहरा रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ एलजीवी के सक्सेना ने दिल्ली सरकार को लेकर आई कैग रिपोर्ट को विधानसभा के पटल पर रखने के लिए कहा। एलजी ने यह कहा कि यह रिपोर्ट सालों से रुकी हुई है। एलजी ने पहले तत्कालीन सीएम केजरीवाल और स्पीकर को पहले पत्र लिखा था, सीएजी लगातार रिपोर्ट पेश करने के लिए लिख रहे हैं। एलजी आगे ये भी कहते हैं कि पारदर्शिता और जवाबदेही के नाम पर सत्ता में आई सरकार जो है वो जानबूझकर खर्च की सार्वजनिक जांच से बच रही है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि क्या बहसबाजी के तहत अहम मुद्दे को किनारे लगाया जा रहा है, क्योंकि दिल्ली में इस समय सबसे बड़ा मुद्दा अगर कोई है तो वो है प्रदूषण, जिस पर बात नहीं हो रही है कहीं से कहीं तक। हालांकि देश की राजधानी होने के चलते दिल्ली की लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था, उसकी स्थिति पर भी गौर करना जरूरी है। महिलाओं की सुरक्षा जरूरी है, जिस पर बहस होनी चाहिए, सही है, मगर दिल्लीवासी जो इस समय ठीक से सांस तक नहीं ले पा रहे हैं, आखिर उनकी कौन सुनेगा? आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कौन सही कौन गलत। दिल्ली से जुड़ी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।